आज तुझे मरना ही पड़ेगा शिप, तुझे आज मेरे वीडियो के लिए बलिदान देनी पड़ेगी। अफसोस, मुकेश का शिप बच नहीं सका। अब ये शिप को मारने के लिए मुझे बहुत ज्यादा देरी लगा, पर अब नहीं लगने वाला क्योंकि मैं अभी करने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज। यहाँ पर से मैं अपने पेड़ को एक फोड़ने वाला। अब चलो यहाँ पे फटाक से क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, उससे मुझे पहले अपने नेसेसरी चीजें निकाल लेना है। ये लो, मैं यहाँ पर से चार चीजें निकाल चुका हूँ। एक है शॉर्ट सॉल, एक सैंड पिकेक्स, ये चारों चीजें मेरे काम के हो जाएंगे। तो अभी चलो तबाही मचाते हैं। मैं नहीं देगी तेरे को, मैं अपना मांस तेरे को नहीं देगी। बफाला निकल, पहली फुर्सत में निकल। मुझे ये चीज पता नहीं चल रहा, ये बफालो तब से इतना ज्यादा नखरा क्यों दिखा रही थी। उसको नहीं पता होगा। अब मेरे को कोई ये चीज बताओ कि क्या माइनक्राफ्ट की दुनिया में कोई टीचर वगैरह नहीं है? इनको जो भी पूछता हूँ ये लोग सिर्फ एक ही जवाब देते हैं। अबे तुम लोग कुछ और तो बोल लिया करो, सिर्फ हाँ हाँ और कितने बार बोलोगे। अब माइनक्राफ्ट की सबसे बेस्ट चीज ये है कि इनके विलेजेस के जो घर होते हैं, इनके घर में घुस जाओ, जो भी चीज लेना है ले लो, ये लोग कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे कुछ पड़ा है, ये क्या? अपग्रेडिंग गियर। मैं अपना गियर को अपग्रेड करता हूँ। ये लो, मेरा सॉर्ड बहुत ज्यादा टूट गया है। और मैं यहाँ पे क्या डालू, मैं यहाँ पे वुड डाल देता हूँ। प्लैंक, कुछ भी नहीं हो रहा ये काम। चलो इससे नहीं होगा। अरे इसके अंदर मेरे को मिले डायमंड्स। भाई विलेजेस डायमंड कब से रखने लगे? चलो यार, मेरे को एक घर में डायमंड मिल गया, गोल्ड मिल गया, ब्रेड वगैरह तो मिलते ही रहते थे, बट हाँ ये वाला घर मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। एंड चलो अभी बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं इसका विलेजर कैसा होगा। इस ये क्या है? ये भी कुछ रिपेयर वाला चीज है। यहाँ उरे कैसे करेंगे? नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये वाले घर पे भी मेरे को डायमंड मिलेगा। लगातार दो घर में डायमंड मिल रहे हैं मेरे को। ये पता नहीं ये विलेजर कहाँ से लेके आते हैं, कितना ज्यादा। अरे इसका विलेजर आ गया, भागो भागो भागो। वैसे ये लोग कुछ करते नहीं है, मैं इसके पीछे तब से चल रहा हूँ, पर ये मेरे को डायमंड वगैरह कुछ नहीं मांग रहा। डायमंड लेगा? अरे ये तो एमरल्ड से बेच रहा है सॉर्ड। भाई तू तो बहुत ज्यादा अमीर है। अरे बॉस, आप जल्दी से अपना घर बना लो क्योंकि रात होते ही ये क्रीपर, स्केलेटन और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं खाने के लिए। वैसे मेरे को तो अभी खाने का टेंशन नहीं है, वो ज़ॉम्बीज को आने दो, मैं उनको खाना दे दूंगा, वो खा के चले जाएंगे। अरे बॉस, वो खाना खाने नहीं, आपको खाने आएंगे। चीटिंग करता है तू। पूरी मैया मेरे को मारने आएंगे। अब चलो यार, मेरे को उसके लिए तो जल्दी से जल्दी ये वाले जगह को साफ करके यहाँ में एक बहुत ही बड़ा महल बनाना है, जिससे कि वो लोग मेरे पास आने का सोच भी ना सकते। वैसे अभी पहले तो मुझे ये जगह को थोड़ा साफ करना पड़ेगा, पर मैं तो आज तक अपना रूम तक साफ नहीं किया, ये जगह को साफ कैसे करूँगा? वैसे ये तो गेम है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अब चलो यहाँ पर से सारे के सारे डर्ट मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और ये जगह को पूरा प्लेन बना लिया है, तो यहाँ पर मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। ये लो, मैं यहाँ पे चार वुड लगा देता हूँ जिससे कि अपने बेसमेंट का पता चल जाएगा। वैसे प्लैंक्स का भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता था, बट घर को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मुझे लगा कि नहीं यार, वुड से ही बनाते हैं। वैसे यहाँ पे स्प्रूस वुड की तो कमी नहीं है, बट हाँ एक चीज बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो कि है बिर्च वुड। वो यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? चलो यार, फाइनली बहुत दूर आने के बाद मुझे बिर्च का ट्री देखने को मिला। वैसे ये बकरियां यहाँ पर, भाई कितने भद्दे दिख रहे हैं बकरियां, इनका कुछ फायदा है क्या? चलो मैं फायदा बाद में देखूंगा, मुझे जो काम करना है वो मैं पहले कर लेता हूँ। अब वो वाली जगह से मुझे बहुत सारे बिर्च वुड मिल चुके थे, तो मैं वहां से फटाक से लेके आ गया। और यहाँ पर मुझे अपने घर को थोड़ा मॉडर्न लुक देना है, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कुछ नया कारीगरी के बारे में, और ये थोड़ा सा चल रहा है काम। यहाँ पर से इसको भी एंड कर देते हैं, एंड इसके थोड़े छीले छील छाले उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वैसे अभी अपना घर थोड़ा सा मॉडर्न तो दिख रहा है, पर इसको और मॉडर्न बनाने के लिए मुझे और भी बहुत सारे बिर्च वुड की जरूरत होगी, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ग्लासेस, एंड जो और ज्यादा जितने वुड चाहिए मैं कल जाके लाऊंगा। और यहाँ पर से मैं थोड़ा खाना भी अपने पास ले लेता हूँ हेल्थ के लिए। और ये ग्लासेस के बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े और सैंड डाल लेता हूँ, ये रात भर चलता रहेगा, और मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, कल सुबह जाके आगे का काम देखते हैं। वैसे अभी घर बना लिया है तो खाना भी यहीं का इंतजाम करना पड़ेगा, हर वक्त थोड़ी बहुत दूर जाके खाना खाऊंगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा फार्म बना लेता हूँ और थोड़े बफलूज लाके आगे पाल लूंगा। पहले तो यहाँ पर से मैं जितने गड्ढे करने थे कर दिए, और यहाँ पर मैं आके पानी डाल देता हूँ जिससे कि ये सारे फुल हो जाएं, और अभी मैं इनको हो से खोद देता हूँ जिससे कि ये सारे क्लियर भी हो जाए। वैसे मुझे भी पता नहीं, बट मेरे इन्वेंट्री में कब से ही वीट के सीड्स पड़े हुए थे, और मैं सोच रहा था कि कभी ना कभी तो मैं फार्म बनाऊंगा। तो चलो यार, अभी मैं यहाँ पर से फार्म बना लिया हूँ। अरे मेरे को मार कौन रहा है इसके? अरे सुबह हो चुका और ये मेरे को मार रहा है। स्केलेटन तुझे तो अच्छे से बजा के दूंगा, पहले मैं अपने सारी चीजें पकड़ लेता हूँ। ये ले, मैं सॉर्ड पकड़ चुका, तो आ मेरे सामने, बस आ मेरे सामने, अब तो तेरी खैर नहीं। भाई तू गया कहाँ? अरे यार इसकी भैंस की टांग, ये गया। अरे यहाँ पे तेरी तो ऐसी की तैसी, तो सुबह हो गया और तू मेरे को मारेगा? तेरी शान पट्टी अभी निकालता हूँ।
ऐसे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये व्हीट से मैं ब्रेड बना के खा लूंगा, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं कुछ अलग सोचा हूँ। मैं सोचा हूँ कि यहाँ पे कुछ बफलोज एंड शीप्स ला के पालूंगा, जिनको मैं ये खाने दूंगा और उनका मीट मैं खाऊंगा, और उन शीप्स से मैं वुल ले लूंगा, जिससे कि मेरे घर को मैं कारपेट से सजा सकूं। पर उसके लिए मुझे पहले तो यहाँ पे एक यार्ड बनाना पड़ेगा छोटा सा, जहाँ पर वो उनको मैं पाल सकूं। चलो यार, मैं इसको आधे से ज़्यादा तो अभी बना चुका हूँ, तो ये फेंस को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और ये लो, ये पूरा का पूरा अभी कंप्लीट हो चुका। मैं इनको दो हिस्सों में बांट दिया हूँ। सामने आगे जाके मैं इनको तीन हिस्सों में बांटने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो वुल रखूंगा वो मैं दो शिप के रखूंगा। एक करूंगा व्हाइट और एक करूंगा मैं ब्लैक शिप, जिनसे कि मैं अपने घर को थोड़े अलग अलग कलर दे सकूं। पर उससे पहले मुझे उनको पालना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर से मुझे मिल चुका है दो बफलोज, अरे वो दूर चला गया, पर इसको मैं अपना पालतू बना लेता हूँ। चलो ये तो बन गया, अब उसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। अरे इधर तो आ मेरी माँ, पीछे तो, अरे ये पीछे देख लिया पर यहाँ पर से नहीं आ पा रही। मैं तो उसको रास्ता दिखाता हूँ ना, टेंशन कई को लेने का। यहाँ पे आजा, यहाँ आ जाओ। अबे तुमको यहाँ पे वंश विस्तार करने को किसने बोला? मेरे घर पे जाके करना था तुमको। चलो मैं इन दोनों को लाया हूँ। पता नहीं उनका उनका जो हस्बैंड था वो क्यों नहीं आया, पर माँ बेटे तो आ गए। चलो अब मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमको बहुत ही बढ़िया जगह पर रखूंगा, टेंशन नहीं को लेने का। यहाँ पे आओ, इसके अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अबे ये लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको हिप्नोटाइज करके इस घर के अंदर लाया हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, तुम लोग हिप्नोटाइज हो जो हो, बट तुम्हारे लिए मैं थोड़ा बड़ा जगह बना लूंगा, पर उसके लिए तुम अपने वंश को थोड़े ज्यादा विस्तार कर लो। चलो इस बीच मैं यहाँ पे आके बहुत सारे बिरचूट फोड़ चुका हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए बहुत सारे बिरचूट की जरूरत होगी, जो मैं सोचा हूँ उसके लिए। ऐसे अभी के लिए तो रात हो चुका है, मुझे अभी फिर अपने घर चले जाना चाहिए, पर मुझे अभी रास्ता भी नहीं याद आ रहा। मैं उससे पहले तो सारे के सारे यहाँ पर जितने, अरे मार कौन रहा है? नहीं यार, अरे यार मेरे को मारो मत यार, प्लीज भाई, प्लीज भाई, मैंने क्या गलती कर दिया? मेरे को मार कौन रहा है? मेरे बॉडी पे दो तीर, अरे यार नहीं यार, मैं मर नहीं सकता, प्लीज भाई, मैं मर नहीं सकता। तीर तो ऐसी तैसी, रात में इनका पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, मैं इनसे फाइट भी नहीं ले सकता। मुझे अभी रात तक कहीं पे छुपना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बेड भी नहीं लाया। वैसे बेड मैं इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मेरे रिस्पॉन पॉइंट चेंज ना हो जाए, बट चलो मैं अभी के लिए यहाँ पर से बचने के लिए मिट्टी के अंदर ही रहना पड़ेगा मुझे। अरे ये ऊपर से तो नहीं आ सकते, मैं थोड़ा खोद के ऊपर का पूरा ब्लॉक कर लेता हूँ, जिनसे कि उनको पता भी ना चले कि मैं नीचे हूँ। चलो अभी ये तो बंद हो गया। अभी शायद सुबह हो चुका है, शायद नहीं, इतना तो नहीं हुआ है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा सुबह होने को है शायद। अब मैं थोड़ा बाहर शायद से निकल, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कौन, कोई तो एक है। पर मैं अभी यहाँ से बहुत सारे बिरचूट कलेक्ट कर चुका हूँ, मैं इनको खोना नहीं चाहता। मैं जितने जल्दी हो सके अपने घर को निकल जाता हूँ। यहाँ पर जो भी हो उसके साथ एक फाइट लेकिन निकल ही जाते हैं, जो होगा सो होगा। यहाँ पर तो वैसे मुझे कोई, अरे इसके ऐसे की ऐसे, ये कहाँ से मेरे को देख लेते हैं और आ जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे उसके पीछे से आ रहा है, मेरे को जल्दी से जल्दी अपना घर जाना पड़ेगा। चलो यार शुक्र है, इस लोकेशन का मुझे पता चल गया, बहुत दूरी लगा पर हाँ पता चल गया। मैं यहाँ से बहुत सारे ला चुका हूँ वुड्स, अब मैं अपने घर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़े और वुड की जरूरत होगी। चलो ये वाला साइड तो कंप्लीट हो गया, अब लेफ्ट। अरे ये जॉम्बी मेरे घर के अंदर बार बार क्यों आ जा रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे जॉम्बी से जितना ज्यादा डर नहीं लगता, ज्यादा डर तो लगता है वो क्रीपर से, क्योंकि एक टाइम मैं घर बना रहा था और मेरे पीछे क्रीपर आके ब्लास्ट हो गई, मेरा घर आधा से ज्यादा ब्लास्ट हो गया। मेरा हेल्थ तो थोड़ा ही था, चलो यार मरते मरते बच गया। ये राइट साइड का थोड़ा सा कंप्लीट दिख रहा है, पर लेफ्ट साइड का पूरा खाली दिख रहा है। मैं लेफ्ट का थोड़ा कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पर से थोड़े और, यहाँ पर एक और ये करते हैं। मेरा घर हो चुका है लेफ्ट एंड राइट से कंप्लीट। अरे ये लेफ्ट साइड थोड़ा सा नीचे का जो वुड है वो मिसिंग दिख रहा है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं और मेरा घर अभी थोड़ा सा रेडी हो चुका है। पर ये वाले साइड मुझे और थोड़े ग्लासेस लगाने, अब चलो ये कंप्लीट हो गया। और सामने के साइड से मैं अगर दो डोर लगा दूं तो घर पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। अभी के लिए मेरा सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया शानदार दिख रहा है, और मैंने लेफ्ट राइट पे ग्लासेस भी लगा लिया, और ये बहुत ही बढ़िया मेरा घर दिख रहा है। वैसे मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूँ, आप लोगों को ये घर कैसा लग रहा है मुझे नीचे कॉमेंट पे बताओ। वैसे मैं सो जाता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है बहुत ज्यादा, अभी के लिए तो इतना ही काफी है। वैसे अभी ऊपर का नहीं, ऊपर का भी नहीं दिखाने का, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज देता हूँ। ये लो मैं, अरे दरवाजा, अरे चलो बहुत नाकाम कोशिश करने के बाद मेरा घर अभी खुला, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सरप्राइज। अरे ये सरप्राइज नहीं था, ये देखो ये है सरप्राइज। एक्चुअली मैं घर एक बिल्डिंग बनाने के बाद मैं उसी टाइम लग गया दूसरे बिल्डिंग बनाने में, और फटाक से ही मेरा दूसरा जो बिल्डिंग है वो भी बन गया फटाक से।
समझ रहे हो? I'm sorry, मैं झूठ बोल रहा था। इसको बनाने के लिए मुझे एक और एक्स्ट्रा दिन लगा, पर हाँ दिखा इसलिए नहीं क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। भगवान। वैसे ये चीज तो जरूर कमेंट पे बताना कि आपको ये घर कैसा लगा। एंड हाँ, यहाँ पर अपने जो बफलोज है ये भी अपना बंच विस्तार करना बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ पर शिप्स भी लेके आ जाऊँ जिनसे कि मुझे वुल्स मिल सके। अब वो सब तो बाद की बात है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पर मुझे और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। और हाँ सुनो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पे लाइक गेम रखते हैं 22K का, अगर ये कंप्लीट होते तो फटाक से इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।